नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। इस बीच उनकी सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी गई है। यही वजह है कि अब उनके सरकारी आवास को लेकर चर्चा सुर्खियों में है। इस बात की चर्चा है कि क्या नई सीएम आतिशी सिविल लाइन्स के फ्लैग रोड स्थित बंगला होगा उनका नया आवास, जिसका पुनर्निर्माण अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जल्द ही सिविल लाइन के फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास में शिफ्ट हो जाएंगी, जहाँ वर्तमान में अरविंद केजरीवाल रहते हैं। यही वही बंगला है जिसका पुनर्निर्माण साल 2020-21 में अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान कराया गया था। बीजेपी ने सीएम आवास के निर्माण में जरूरत से ज्यादा खर्च और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि यह घर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि उनके बाद दिल्ली के हर मुख्यमंत्री का आवास भी यही होगा। इससे स्थिति साफ है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह उसी घर में रहेगा। आप नेता के मुताबिक अभी आतिशी के आधिकारिक आवास पर सुरक्षा कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है। इस बीच सूचना यह भी है कि अरविंद केजरीवाल अगले 2 सप्ताह के भीतर बाहर जाने की उम्मीद है। पार्टी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि उनके लिए वह आधिकारिक आवास के लिए आवेदन करेगी या फिर नहीं। आपको यहाँ ये बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते वह नई दिल्ली इलाके में आवास के हकदार हैं। वहीं वर्तमान में कांग्रेस, बीजेपी और कई अन्य पार्टी के अध्यक्षों को आवास मिले हुए हैं। अभी 3 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रमुखों को बंगला मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी भी देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास अगले 2 हफ्तों में खाली कर सकते हैं। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली के अंदर तैयारियां करती हुई नजर आती है। फिलहाल आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जारी है और क्या अब आतिशी ही सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में बनती हुई नजर आएंगी, इस पर भी तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।